24/7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातु, आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। रूडू का है बुरा हाल। बहराइच के सभासद सैयद अली नगर पालिका के अध्यक्ष रूबीना रेहान की वजह से नहीं हो रही रोडों की मरम्मत। चांदमारी नई बस्ती बक्सीपुरा वार्ड नंबर 6 की शुभम तिवारी, नगर संयोजक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं नगर प्रभारी अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था जी से हमारे संवाददाता ने कार्य योजना के बारे में बातचीत की, तो उनका कहना है कि गली में रास्ते इतने जर्जर हैं लेकिन अधिकारी कर्मचारी अपना खाता भरने में लगे हैं, विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि स्कूल के छोटे बच्चे भी उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर इस रास्ते पे नहीं पड़ रही। बताते चले कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, बहराइच जिला अधिकारी को भी अवगत कराया गया, वार्ड नंबर 6 के अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका के अध्यक्ष रूबीना रेहान को भी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी वहां देखने तक नहीं गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनुप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नाम क्या है? किस मोहल्ला में रहते हो? बक्सीपुरा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 6। क्या दिक्कत आप लोग, क्या क्या परेशानी है? हम लोग यहाँ नाली के पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, काफ़ी दिनों से परेशान है। कई बार हम शासन से भी शिकायत कर चुके हैं। शिकायत किए हैं? हाँ जी, लेकिन वहाँ से आश्वासन मिलता है काम नहीं होता। कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं? किसी किसके यहाँ किए हैं? नगर पालिका में भी कई जगह पर मतलब दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आश्वासन हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। कब से आप आश्वासन मिला है? कम से कम 5-6 महीनों के बीच, कम से कम। जैसे नाली हो गई, सब निकास है, नाली भी टूटी हुई है, पानी का भराव कहीं निकास नहीं हो रहा है, और आगे भी कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितना भी पानी आता है वो नाली के दरवाजे के सामने भरा हुआ है। आप नगर पालिका में आता है? नगर पालिका में आता है। चेयरमैन कौन है आता? यहाँ का चेयरमैन वो है। उनसे आपने कभी शिकायत नहीं की, सेवा नहीं किया? नहीं, उनसे नहीं कहा, लेकिन मेरे पास आते तो शिकायत जरूर की है। वो यहाँ तो आते नहीं है, फिर लेडीज है। सफाई कर्मी आता है, नहीं आता है? सफाई कर्मी तो कभी कभी आता है जब आवक। नाम जानते हो क्या उसका? नाम जानते हो? नाम तो उसका नहीं मालूम है, लेकिन कभी आता है। लेकिन तो क्या करे, इतना बड़ा पानी का भराव है, एक आदमी से आता है, क्या इतनी रोड जर्जर है, इसमें आप लोग कैसे आते आते हैं? कैसे कपड़ा चढ़ा करके ऊपर लोग आते आते हैं, बहुत समस्या है। लोग घूम घूम के बाहर से आते आते नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, काफ़ी शुभम तिवारी, नगर संयोजक बजरंग दल। फिलहाल के तौर पर ये समस्या करीब 5 सालों से हमारे वार्ड में है। 5 साल से? 5 साल से करीब। मैं पूरी की पूरी फाइल रखा हुआ हूँ, जितनी भी कार्यवाही कराई है सारी कार्यवाहियों के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहले 23/6/2019 को माननीय सांसद जी के द्वारा इस वार्ड की समस्या को आदेशित किया गया जिलाधिकारी महोदय को कि आप इस पे कार्यवाही करा के वार्ड की समस्या जल निकासी की व्यवस्था को आप कंप्लीट करें। परंतु नगर पालिका के कुछ अधिकारियों द्वारा, अन्य प्रशासनिक रूपों के अधिकारियों द्वारा इस पे कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय सांसद जी के आदेश के खानापूर्ति के लिए अवैध बिल्डिंगों के तोड़े गए मलबे को पटवा कर स्थायी मार्ग बनवा दिया। इसने पटवाया? ये नगर पालिका के द्वारा पटवाया। नगर पालिका ने पटवाया? ये नगर पालिका ने पटवाया। लगातार कंप्लेन देने पर भी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था इस वजह से यहाँ पे नहीं, क्योंकि लो लैंड। आखिर जब लो लैंड है, बड़े बड़े महानगर लो लैंड होते हैं, उनकी जल निकासी व्यवस्था कैसे होती है? 5 साल से अगर जो आप विकास नहीं करा पा रहे हैं, आपके मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, जो पानी में रह रहे हैं, उनकी कौन सी भी इसमें गलती है? आपको बैठाया गया है कुर्सी पे, आप उस पे कार्रवाई कराई, आपको विकास के लिए बैठाया गया है, कौन होते हैं आप लोग कि हाँ जो इस जनता को परेशान करें? इसे इसके विषय में किसको सुझाव में लेकर, इसको हम अपने लेटर पैड पे माननीय जिला अधिकारी महोदय, माननीय ना क्या नाम है अधिशासी अधिकारी जी को, नगर पालिका प्रशासन को भी, उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री को भी, IGRS पोर्टल, PG पोर्टल, रजिस्ट्री, सारी की सारी भेज के देख चुका हूँ। कोई कार्यवाही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में वार्ड की समस्या को सिर्फ बिना फालतू का जनता को परेशान करने के लिए पूरी की पूरी तरीके से परेशान नहीं, हद से व्यवस्था बिल्कुल कर दिया गया है। हर अधिकारी चाह रहा है कि मुझे सिर्फ जेब भरनी है, लोगों के बारे में कहीं नहीं सोच रहा है कि आज एक आदमी इस पे कैसे निकल रहा है, किस तरह खड़ा हो रहा है, किस तरह उसके घर में कितने मच्छर हैं, कितने बच्चों को काटते हैं, कितनी बीमारियाँ होती हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं उनको। क्या उनको तो AC कमरे में बैठ के आराम से आते हैं, सुबह से शाम भर बैठ के अपना निकल लिए, इस वार्ड में एक दिन रह कर बिताएं। अगर ये कंप्लेन अधिशासी अधिकारी के घर के पास की होती, उनके या जिलाधिकारी जी के कार्यालय के पास में होती, उनके घर के पास में होती, मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ 1 माह के अंदर ये बन के सीवर लाइन पास होकर ये बनती। लेकिन वार्ड की समस्या है, लोगों की समस्या है, सब अपना प्रमोशन चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ से छुट्टे,
इसको क्या करना है, इसमें काहे फालतू फंसे। आप खुद देखा जाए कि कहीं कोई। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।